हे वेलकम टू फिश एंड अंसारी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस मैं आया हूँ फिश लैंड एंड पेट स्टोर में। हमारे साथ है डस्टिन हाय के भाई रस्टिन, सर डस्टिन भी है, दोनों साथ में पेट स्टोर चलाते हैं। ये अराउंड 2 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट? ये हॉबीस्ट भी है एंड साथ में एंथुजियास्ट भी है, इसलिए इतने अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं यहाँ पर। ये काइंड ऑफ इनका साइड बिजनेस है। ओके, तो ये इनकी शॉप पर आज हम बात करेंगे, इनका क्या कंटेंट है, ये क्या सेल करते हैं, स्पेशलिटी क्या है इनकी एन ऑल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बर्ड्स केज है एंड माउस भी है, आई गेस माइस है, राइट? यस माइस है और लव। ओके, अल्बाइनो ऐसा कुछ इसका स्पेसिफिक नेम है? इसका कुछ स्पेसिफिक नहीं है, इसको एक्चुअली लोकल नेम वाइट रैट बोलते हैं। इसको वाइट रैट कहते हैं। थोड़ा क्लोजर लुक ले लेते हैं हम लोग इसका। ओके, कस्टमर को चाहिए तो कैसा आपका कुछ होता है, सिंगल पीस ऐसा कुछ? सिंगल पीस भी ले सकते हैं, अगर किसी को जोड़ी में चाहिए तो जोड़ी भी हम लोग दे देते हैं, और चार पीस अगर पूरा चाहिए तो पूरा भी हम लोग थोड़े नेगोशिएट करके दे देते हैं। ब्रीडिंग पेयर ऐसा कुछ मिलता है साथ में? ब्रीडिंग पेयर तो नहीं मिलता है, कभी कभी आ जाता है, बाय चांस बोल सकते हैं उसको। एंड साथ ही में यहाँ पे बजीज भी मिलते हैं, बजीज राइट? यस यस बजीज। हाँ, अभी तो ज़्यादा कोई स्टॉक नहीं है बट लाइक पेट्स का, जैसे होगा आपको कन्फर्म इन्फॉर्म कर देंगे क्या इसके रेंजेस है, क्या इनके पास अवेलेबल है। पर्शियन कैट भी है, राइट? पर्शियन कैट भी मिलता है। हाँ, पर्शियन कैट्स है, डॉग्स है, तो ये सब लाइफ स्टॉक है। तो आज हमारा फोकस रहेगा एक्वेरियम पे। ओके, फटाफट से हम लोग आगे जाते हैं एक्वेरियम के कंटेंट पे। तो अब बात करते हैं एक्वेरियम के रिगार्डिंग कंटेंट गाइस। तो आज जस्टिन हमको बताएंगे। हाँ रस्टिन, क्या क्या इसका कंटेंट है आप बता सकते हो?
ठीक है, ये टैंक में यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पार्टीशन टैंक है, 3 फुट का टैंक है, हम लोग ने डिवाइड किया है 1-1 फुट ताकि हम लोग ज्यादा वैरायटीज रख सकते शॉप पे। तो ये पहले टैंक में है, ये टैंक में है ब्लैक विडोज है और व्हाइट विडोज है, अगर आप देख सकते हैं। ये थोड़ा नियॉन लाइट है तो दिख रहा नहीं है, मैं आपको लाइट चेंज करके आपको। ये ब्राइट लाइट है व्हाइट, इसमें उनका कलर दिखता है। अच्छा, ये है ब्लैक विडो और उसके साथ है व्हाइट विडो। ओके, तो सेम ऐसा ये वैरायटी में हम लोग के पास कलरिंग भी है। ओके, जो कि ये थर्ड टैंक में है। कलरिंग में हमारे पास ग्रीन कलर में है, उसमें ऑरेंज कलर भी है, अगर आप देख सकते हो ग्रीन कलर का जो आईज भी है ग्रीन है। ये बेसिकली कलर्ड है, यही सेम टेट्रा का वर्जन है, ब्लैक टेट्रा और व्हाइट टेट्रा जिनमें कलर डाला है। राइट, तो अभी वो ब्रीड भी कलर के साथ ही होता है, ब्रीडिंग भी उसका जो है वो कलर के साथ होता है। ये मिडिल टैंक में क्या से, क्या है बता सकते हैं कंटेंट? मिडिल टैंक में भी टेट्रा वैरायटी है, सब टेट्रास है इसमें। इसमें कम से कम 10 वैरायटी के टेट्रास है मेरे पास। जैसे कि ब्लैक विडो टेट्रा है, फिर ब्लडफिन टेट्रा है, ज़ीब्रास है इसमें, गोल्डन टेट्रा है, रमिनोज टेट्रा है, फिर क्रिस्टल टेट्रा है इसमें, माउंटेन मिनो है इसमें, आप देख सकते हो नीचे कोरी कैटफिश भी है, एल्बिनो कोरी कैटफिश, कॉपर कोरी कैटफिश, स्नेल्स भी है यहाँ पर। आई कैन सी यहाँ पे असैसिन स्नेल, राइट? यस, ये असैसिन स्नेल्स है, बेसिकली ये किलर स्नेल्स है, ये जो अनवांटेड स्नेल्स जो पैदा होते हैं प्लांटेशन टैंक वगैरह में, तो वो प्रिवेंट करने के लिए ये स्नेल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, एंड पीछे आई गेस श्रिम्प भी है, राइट? हाँ, उसपे वो फिल्टर पे आप अगर देखोगे तो श्रिम्स है, चेरी श्रिम्स है, दो चेरी श्रिम्स, तो वो टेट्रास के साथ एकदम कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, ठीक है। अब सेल करते हो श्रिम्स ऐसे यूजुअली? श्रिम्स यूजुअली सेल करता तो हूँ, बट उनका स्टॉक लिमिटेड रहता है, कभी कभी आ जाता है, फिर उन लोगों का जब भी टाइम चला जाता है फिर वो वापस 2-3 महीने के लिए नहीं आता है। नो प्रॉब्लम। एंड फॉर नेराइट स्नेल्स? नेराइट स्नेल्स नहीं है, ये असैसिन स्नेल्स है, ये भी उसका सीजन रहता है असैसिन स्नेल्स का, इट्स नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, बट व्हेन अवेलेबल दे आर अवेलेबल इन अ लॉट। नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ऊपर हम लोग देख सकते हैं ये जो लाइक काइंड ऑफ टैंक है, ये किसके रिगार्डिंग है? ये टैंक एक्चुअली एक टर्टल टैंक है। ओके, बेसिकली ये एक टब है, ये एक टर्टल टब है, आप देख सकते हो इसमें टर्टल डाल सकते हो, जैसे कि मेरे पास ये अभी फिलहाल बंद है, काइंड ऑफ बास्किंग एरिया भी है इसमें, एक थोड़ा सा बास्किंग एरिया है अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पर टर्टल आके बैठ सकते हैं जब भी उनको लैंड का जरूरत पड़ता है। यहाँ पर हम लोग पानी भर सकते हैं, तो पानी में जब भी टर्टल को मतलब थोड़ा पानी की जरूरत है तो पानी में अच्छा लगता है। बेसिकली ये स्मॉल टर्टल्स के लिए ठीक है, मतलब यूवी लाइट का अरेंजमेंट कुछ हो सकता है? हाँ, इस पे यूवी लाइट हम लोग इधर क्लैंप कर सकते हैं, यूवी लाइट का क्लैंप इधर बैठ जाता है और हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं क्लैंप को किधर, लाइट को कौन से तरफ से हम लोग टर्न करना है। राइट, बेसिकली ये स्मॉल टर्टल्स के लिए, बड़े टर्टल इसमें नहीं जाते, उसके लिए बड़ा टब आता है। आई कैन सी यहाँ पे थोड़े लाइक स्मॉल फिशेस के, पीसफुल फिशेस के फूड है। हाँ, आप बता सकते हैं कौन से फूड में मेरे पास वैरायटी है? अभी ये जो है ये प्रीमियम क्वालिटी फिश फूड है, बट ये पूरा एकदम नॉर्मल फिश फूड, मतलब जैसे कि शार्क फिश। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर फिश जो है, 3-in-1 ऑप्टिमम, बहुत अच्छा खाना है, इम्पोर्टेड है, बहुत महंगा भी है फूड, मतलब एज कम्पेयर टू अदर फिश फूड जो नॉर्मल ऑप्टिमम आता है। राइट, यस, जो नॉर्मल ऑप्टिमम आता है, इसमें 3 times प्रोटीन्स वगैरह, सब जो विटामिन रहता है जो फिश के लिए ग्रोथ कलर वगैरह के लिए चाहिए, उसमें 3 times एक्स्ट्रा रहता है 3-in-1 में, तो वो बहुत बढ़िया फूड है, वन ऑफ द बेस्ट जो अगर रिकमेंड कर दूंगा तो। ओके, आगे यहाँ पे बहुत सारे फूड है तो हम लोग बाद में कवर करते हैं, पहले फिश स्टॉक कवर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे नीचे बता सकते हैं क्या है? ये जो है ये एकदम नॉर्मल बेसिक फिश है, जो कि सब बच्चे और जो लोकल्स है जो एकदम से स्टार्ट करना चाहते हैं फिश पालने के लिए, उन लोग ये फिश प्रेफर करते हैं क्योंकि ये फिश विदाउट ऑक्सीजन फिश है। right. मतलब इसके लिए ऑक्सीजन एक्स्ट्रा डालना नहीं पड़ता है, अगर मशीन नहीं डालते right. तो भी ये जिंदा रहता है। इसका नाम है मॉली फिश। मॉली फिश में मेरे पास भी आई गेस है अंदर, right? हाँ, इसमें प्लैटी भी है, सेम एट्रीब्यूट्स मॉली के जैसे ही है, विदाउट ऑक्सीजन लगता है, ज्यादा मेंटेनेंस नहीं लगता ये फिश को। राइट, इसमें मेरे पास 3-4 वैरायटी के फिश है, इसमें मिकी माउस टेल है मेरा, मेरे पास डैलमेशियन मॉली है, उसमें चॉकलेट मॉली भी है, ब्लैक और व्हाइट मॉलीज भी है। इनकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने डेडिकेटेड बिगिनर्स के लिए एक टैंक बना है, ताकि जो लोग जब शॉप में आते हैं, जब नए लोग होते हैं, तो स्पेसिफिक ये फिश पे टारगेट कर सके, मॉली रख सकते हैं, प्लेटी रख सकते हैं, क्योंकि ये आई गेस बिगिनर फिश है, राइट? इनकी मेंटेनेंस कम होती है एज कम्पेयर टू डिफरेंट फिशेज। इसका मेंटेनेंस भी कम रहता है और इसका प्राइस भी
वेरी 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 रीजनेबल मिनिमल रहता है, बहुत मिनिमल रहता है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इनकी। एंड यहाँ पे हम लोग नीचे देख सकते हैं एंजल्स है, राइट, बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रीड है ये। एनी स्पेसिफिक नेम सर? ये वेल टेल मार्बल एंजल्स है। ओके ओके, ये वेल टेल स्कार एंजल्स है जो व्हाइट वाले दिख रहे हैं आपको। ओके, इनका स्पेशलिटी ये है कि उन लोग का वेल टेल है जो कि ज्यादा खूबसूरत एंजल को खूबसूरत बनाता है। अभी इसमें आप देख सकते हैं दो जो है वो नॉर्मल नॉर्मल टेल के, और अगर दूसरे को आप देखोगे तो एकदम लॉन्ग टेल है, राइट, उसका स्पेशलिटी है क्योंकि वो एंजल को ज्यादा खूबसूरत बनाता है। ओके, एंजल के साथ इसके साथ रेनबो शार्क है, एल्बिनो रेनबो शार्क है, सकर कैटफिश है, प्लेको, राइट, यस यस प्लेको, जिसका नाम प्लेको है, ठीक, और जो कि एल्गे के लिए बहुत अच्छा रहता है, बेटर रहती है, राइट। एंड इन केस वी गो टू द लेफ्ट साइड, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, हाँ, इनकी ट्रांसपेरेंसी मुझे अच्छी लगी। आपको बता दूँ इनके एक्वेरियम में जो है कुछ फिश बीमार थी क्योंकि क्लाइमेट जो है थोड़ा चेंज हो गया था, तो उन्होंने एक्चुअली इसे ज़्यादा कुछ हटाया नहीं है, चेंज नहीं किया शूट की वजह से, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी रखी है, फिश का ख्याल रखा कि हम लोग चेंज नहीं करेंगे क्योंकि फिश को आगे प्रॉब्लम आ सकता है, राइट। जो आपका क्लीनर है ग्लास क्लीनर, ओके, एक आइडिया आप बताइए। मैग्नेटिक ग्लास क्लीनर है, तो ये बेसिकली एक पार्ट उसका अंदर है फिश टैंक के अंदर, एक पार्ट फिश टैंक के बाहर है, तो बेसिकली ये जो लोग मतलब हाथ अंदर नहीं डालना चाहते, हाथ गीला नहीं करना चाहते, हाँ, तो बाहर से ही ये एकदम एल्गे क्लीन कर सकते हैं, एकदम एल्गे या फिर कुछ डर्ट वगैरह कुछ भी रहेगा तो वो साफ कर सकता है, ये इसको खाली मूव करना है। इसका स्टॉक रहता है आपके पास? इसका स्टॉक मेरे पास 24/7 रहता है। ओके, इसकी कोई स्पेसिफिक साइज होती है? इसका बड़ा साइज भी रहता है। अभी ये जो है ये 1-6 mm ग्लास, यस, ये वाला जो है ये 6-10 mm ग्लास में जाता है, जो थिकनेस रहता है ग्लास का, हाँ। इससे भी बड़ा आता है जो कि 10 mm और एक्स्ट्रा हाई, 10 mm और हाई वाला ग्लास को जाता है, जो कि ये वाला है मेरे ख्याल से, और यस ये वाला है जो कि इससे भी बड़ा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक हैंगिंग टैंक है, राइट, बाउल है, जिसमें आई गेस फुल मून है या हाफ मून है? ये एक्चुअली डम्बो और हाफ मून है, ठीक है, तो ये एक्चुअली मेरा एक स्पेशलिटी है शॉप का, जो डम्बोयर रहते हैं तो लोग आते हैं और पूछते हैं कि डम्बोयर कब आएगा, डम्बोयर कब आएगा, बट इसका रेट थोड़ा हाई है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बेटा, क्योंकि इसका क्वालिटी अलग रहता है और ये अवेलेबल बहुत रेयर रहता है, ठीक है। मेल फीमेल आप दोनों रखते हैं भाई? मेल ज़्यादा रहता है, फीमेल थोड़ा कम रहता है उसमें, क्योंकि फीमेल का ज़्यादा डिमांड नहीं रहता है, मेल का बहुत डिमांड रहता है, बहुत खूबसूरत दिखता है मेल, नो प्रॉब्लम, तो इसके लिए इसका डिमांड थोड़ा हाई है, ठीक है। तो कैसे बात करते हैं कि डिस्प्ले टैंक के ऊपर, ओके, तो रश्मि भाई कुछ बता सकते हैं हमें अपने डिस्प्ले टैंक के बारे में, कौन सी वैरायटीज हैं? और ये मेरा प्लांटेशन टैंक है, ओके, ये मेरा एकदम मेन टैंक है शॉप का, ये एक्चुअली अभी रिसेंटली बनाया हुआ है, ओके, तो इसमें मैंने डाला है टेट्रा वैरायटी का फिश, जो कि एकदम छोटे छोटे है और प्लांटेशन टैंक को डिस्टर्ब नहीं करते, इसमें वही फिश डाला है जो मैंने फर्स्ट टैंक में डाला था, जो 10 वैरायटीज थे टेट्रास के, तो वो सेम फिश इधर मैंने इंसर्ट किया है, इसमें थोड़ा बहुत 2-4 वैरायटीज एक्स्ट्रा है जो मैं बेचना नहीं चाहता हूँ एक्चुअली। इसमें मैंने एक्वाटिक प्लांट डाला है जो कि सेल के लिए है, इसमें मैंने अमेजोनिया सॉइल डाला है, जो नीचे आप सॉइल देखोगे तो अमेजोनिया सॉइल है, तो ये सॉइल का खासियत ये है कि वो जो नाइट्रेट रहता है पानी में वो एकदम लो रखता है, राइट, और जो इसका मेन स्पेशलिटी है कि ये जो फिश का वेस्ट रहता है वो बायोडिग्रेड करता है, ठीक, मतलब वो फिश का अगर वेस्ट हो जाता है तो वो एकदम डिसॉल्व हो जाता है उसमें, तो ये टैंक को ज्यादा साफ भी नहीं करना पड़ता है, खाली इसका थोड़ा बहुत वाटर चेंज करना पड़ता है, 20-30% वाटर चेंज एवरी 3 डेज, ओके ओके। इसमें एक फिल्टर भी है पीछे, अगर आप देख सकते हो तो एक फाउंटेन जैसा है, उसको बोलते हैं हैंग ऑन फिल्टर, वो जो प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा है, वो 3-4 दिन में वो भी साफ करना पड़ता है। अच्छा, अभी जो ड्रिफ्ट रोड होता है सेल करते हो? ड्रिफ्ट रोड, हाँ, ड्रिफ्ट रोड सेल हो जाता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है वो, राइट, और अवेलेबिलिटी रहता है, बट कभी कभी वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है। हाँ, ये जो वैरायटी है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, इसके बारे में बता सकते कुछ? ये जो है ये भी कलरिंग विडो है, ये रेड कलर विडो है, ये एकदम 1-2 inch तक बड़ा हो जाता है, ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसका रेट थोड़ा ज्यादा महंगा है, और अवेलेबिलिटी भी थोड़ा सा रेयर है इसका, ठीक है। आई सॉ समथिंग यहाँ पे जो एक रेयर वैरायटी दिख रही है मुझे, ये रेसिसरी दिख रही है, पहली बार देख रहा हूँ मैं, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ये एक मिस्ट मेकर है,
तो बेसिकली ये फॉग क्रिएट करता है टैंक में। राइट ये वो बंदे लोग के लिए है जिनको थोड़ा टैंक को शो करना चाहते हैं, थोड़ा मतलब टैंक को अच्छा देखना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बना है। अगर आप देखोगे तो एक लेयर बनता है स्मोक का। राइट बेसिकली ये जो है ये मेरा 3 फुट टैंक के लिए बहुत कम पड़ता है, इसके लिए आपको थोड़ा कम फॉग दिखेगा, लेकिन एक 2 फीट में तो 2.5 फीट टैंक में अगर ये जाएगा तो एकदम प्लेजेंट दिखेगा। बहुत 1.5 फीट के लिए आइडियल है, राइट? ये 1.5 फीट के लिए भी आइडियल है, 1 फुट के लिए भी डाल सकते हैं। कलर चेंज कर रहा है तो ऑटोमेटिक होता है या? हाँ, ये ऑटोमेटिक, ये एक्चुअली बेसिकली ये कलर का कुछ ज्यादा पर्पस नहीं है, बट वो खाली थोड़ा सा शो देता लाइट रात नाइट टाइम में। जो फॉग कंट्रोल है आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं या नॉर्मल स्पेसिफिक होता है? नहीं, कंट्रोल नहीं होता, ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, ठीक है। बस मूव ऑन करें हम लोग नेक्स्ट टैंक के ऊपर जहाँ पे कोई है, राइट? इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं सर? ये टैंक में जो मैंने रखा है कोई कप, मिल्की कोई कप है, इसमें 2 मौली है, 1 शार्क है, बट मेन फोकस ये टैंक का कोई कप की वजह से है। तो इसमें वेरियस कलर आता है, मल्टी कलर आता है, ब्लैक एंड ऑरेंज आता है, मिल्की व्हाइट आता है जो कि प्योर व्हाइट रहता है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल रहता है, एकदम मिल्की रहता है। इसका स्पेशलिटी है कि ये पॉन्ड फिशेज है तो मोस्टली ये विदाउट ऑक्सीजन भी रहता है, बट पानी थोड़ा साफ रहना चाहिए, मतलब पानी अगर एकदम सा गंदा हो जाता है तो वो फिश का ऑक्सीजन भी डिप्लीट होता है पानी में और वो फिश मर जाता है। तो ये बेसिकली विदाउट ऑक्सीजन के फिश ही है और लेस मेंटेनेंस है। तो इसका खासियत वो है कि जो लोकल्स भी रहते हैं, जो जिनको स्टार्ट करना है वगैरह, छोटा सा 1.5 फुट टैंक लेके उन लोग स्टार्ट कर सकते हैं कोई के साथ। ये बेसिकली गोल्डफिश वैरायटी ही होता है बट ये थोड़ा अलग। एंड इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कौन सी ब्रीड है एंड इसका क्या पर्पस है? फीडिंग फिश है। ओके। ये बेसिकली बड़े बड़े फिश के लिए खिलाया जाता है, जैसे कि अरवाना, फ्लावर ऑन, जो बड़े बड़े ऑब्स्कल्स वगैरह रहते हैं, ये एकदम चीप रेट में जाता है, ये 10 रुपीज का 4 जाता है या फिर 10 रुपीज का 5 जाता है। राइट। तो इसका ये पर्पस है कि ये फीडिंग के लिए यूज होता है। हाँ, एंड फीडिंग के बहुत सारे गाइस होते हैं लाइव लाइक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ब्लड वर्म होता है, तो वो भी सेल करते हैं? हाँ, ब्लड वर्म्स भी हम लोग सेल करते हैं। ब्लड वर्म्स का बेसिकली टाइमिंग रहता है, जो कि टाइमिंग शाम के टाइम पे रहता है। ओके, ओके। और मतलब 9:30-10 बजे तक वो खत्म भी हो जाता है, क्योंकि वो एवरीडे न्यू स्टॉक आता है उसका। राइट। वो एक दिन का ही एक दिन ही जिंदा रहता है, एक्सपायर हो जाता है। राइट, ठीक है। अब मूव करते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर। यहाँ पे जो फर्स्ट टैंक है इसमें है गप्पी, राइट? हाँ, ये गप्पी है। टैंक के बारे में कुछ बता सकते हैं कौन सी ब्रीड है एंड ऑल? इसमें एक्चुअली 2 ब्रीड है। इसमें जो फैंटेल गप्पीज है, हाई क्वालिटी के है, थोड़ा इम्पोर्टेड है। इसका टेल आप देख सकते हो, एकदम सा ह्यूज टेल है। right. और एकदम ब्यूटीफुल है। और इसमें जो दूसरा वैरायटी है वो की व्हाइट टक्सीडो गप्पी है, जो की छोटे छोटे अगर आपको दिखेगा, जो स्मॉल वंस है यहाँ पर है एक ये साइड, तो ये व्हाइट टक्सीडो गप्पीज है। Okay. तो ये बेसिकली ये जो इम्पोर्टेड वाले हैं इसका रेट थोड़ा हाई है, क्योंकि व्हाइट टक्सीडो उसका भी रेट थोड़ा सा वरी करता है, बट right. अभी जो है वो थोड़ा क्वालिटी उसका इतना हाई नहीं है, तो उसका रेट भी थोड़ा कम है। ये जो सामने हम देख रहे हैं एलिगेटर है, कौन से एलिगेटर है? ये सियामेज एलिगेटर है। ये मतलब ये प्लांटेशन टैंक में यूज होता है बेसिकली। ये भी बॉटम ड्वेलर है और एल्गे खाता है, तो ये प्लांटेशन टैंक के लिए बहुत बढ़िया काम। एंड ये स्नेल्स कौन से हैं? इसमें निराइट स्नेल्स है। ओके। इसमें निराइट स्नेल्स है येलो कलर के, ज़ीब्रा कलर का, ज़ीब्रा जैसा स्ट्राइप्स है इस पे, तो ये भी एल्गे के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये भी आप सेल करते हो? यस, ये भी सेल करता हूं। इसका अवेलेबिलिटी थोड़ा रेयर है, ये ज्यादा मिलता नहीं है, कभी कभी उसका सीजन आ जाता है तो वो अवेलेबल रहता है। ठीक है। बॉल सब सारे साइज के रखते हो यहाँ पर? बॉल में सारा साइज का रखता हूँ। अभी ये जो बॉल है आप देख रहे हो वो 6 इंच का है, 4 इंच का आता है, 8 इंच का आता है, 10 इंच का आता है, 12 इंच का भी आता है। तो हर साइज का बॉल अवेलेबल है एट एनी टाइम। ठीक है। नीचे एक और टैंक है, इसमें आई गेस गोल्डफिश ब्रीड है, राइट? इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ये गोल्डफिश मतलब सबसे कॉमन ब्रीड है। ओके। और सबसे सोल्ड आउट ब्रीड है, क्योंकि राइट अगर फिश आप किसी को बोलोगे फिश तो पहला लोगों के दिमाग में आता है, राइट? क्योंकि वो टीवी पे दिखता है ज्यादा, मूवीज में दिखता है, एडवर्टाइज में दिखता है। तो इसमें वैरायटी के गोल्डफिश है, पहले तो नॉर्मल गोल्डफिश है जो कि ऑरेंज वाले है, राइट? उसमें आप व्हाइट कलर के गोल्डफिश भी देख सकते हो जो कि रेड कैप गोल्डफिश है, राइट? उसमें ब्लैक कलर के भी गोल्डफिश है, उसको ब्लैक बुलडॉग बोलते हैं या फिर ब्लैक मूर गोल्डफिश बोलते हैं, राइट? या फिर ब्लैक गोल्डफिश बोलते हैं।
तो इसका इसका ये स्पेशलिटी है कि इस ये फिश को सब लोग पसंद करते हैं, जो बच्चे तक जो बुजुर्ग तक लोग रहते हैं सब इसको पसंद करते हैं, क्योंकि ये चीप भी रहता है। ये मेंटेनेंस थोड़ा इसका थोड़ा सा हाई रहता है, क्योंकि ये थोड़ा डेलिकेट फिश रहता है, इसका पानी साफ रहना चाहिए, इसको फूड ओवर फीडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ठीक जल्दी इन्फेक्शन और बैक्टीरिया पकड़ता है। है। नीचे एक और टैंक है आई कैन सी, तो यहाँ पे कौन सी ब्रीड्स है? इसमें आप अगर देखोगे तो इसमें टाइगर फिश है, टाइगर बाप जो बोलते हैं, इसमें गोल्डन गुरामी है, इसमें ब्लू गुरामी है, इसमें एल्बिनो टाइगर शार्क है, राइट ब्लैक टाइगर शार्क है, दोनों ओके। साइज के देखोगे तो दोनों साइज के हैं। ये आई जो कैन सी मीडियम साइज, पीछे एक प्लेको भी है, राइट डिफरेंट एक कलर की एल्बिनो है, प्लेको है उसमें, राइट। एक पर एल्बिनो प्लेको भी है उसमें। हाँ आपने एक और चीज़ बताई थी कि आपके पास ईल भी है, कैन शो दैट? मेरे पास ईल है यहाँ पर, तो तो ये इसी रेयर जो वैरायटी है, जल्दी देखने को मिलती नहीं है एक्वेरियम्स में। या दिस वन ये थोड़ी जो सी, हाँ ठीक है, वी गॉट द ये ईल, इसको ईल बोलते हैं। तो बेसिकली ये सैंड के अंदर जाके छुपते या फिर फिल्टर के पीछे जाके छुपते, ये ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने आप को छुपा के रखते, बट वो देखने में जब भी तैरते हैं तभी बहुत बढ़िया लगता है, तो इसके लिए लोग पसंद करते हैं ईल को। ओके। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमने सारे टैंक आई गेस कवर कर दिए, राइट। तो अब बात करते हैं एक्सेसरीज के बारे में, आपके पास कौन सी एक्सेसरीज है? तो आई सो यहाँ पे थोड़े से टॉयज है जो आप कैकड़ी में रख सकते हो, राइट। हाँ, ये प्लास्टिक टॉयज है छोटे ओके छोटे, जो कि डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, फ्लोटिंग ओके टॉयज है, थोड़े से मतलब ओके पानी में डालोगे तो फ्लोट होता है वो पानी में, तो फिश कभी कभी उसके साथ खेलता है। ये जो है वो सबमर्सिबल है, तो वो नीचे जाके बैठ जाता है, एक कर प्लांट जाता है, राइट। यहाँ पे थोड़ी है। डॉग्स के गाइस एक्सेसरीज भी हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स भी हैं, ओके। आर्टिफिशियल प्लांट्स के वैरायटी है, बहुत वेरी चीप वंस से लेके वेरी एक्सपेंसिव वंस भी है, जो कि ओके रेंज 20 से लेके रेंज 500 तक भी जा सकता है। ठीक है। ये डिफरेंट पेट्स की वैरायटी है, एंड साथ ही में ऊपर देखेंगे तो एक्रेलिक मोल्डेड टैंक भी है, तो ये आपका स्टॉक रहता है हमेशा? ये हमेशा 24/7 और ये 365 days अवेलेबल रहता है मेरे पास, ठीक है। ये आपका हर साइज रैबिट का की, मिलता है ओके मेरे पास, ये 12 इंच से लेके 2 फुट से लेके ऑर्डर पे, अगर 3.5-4 फुट का ऑर्डर वो ऑर्डर पे मिलता है, 4 फुट तक जाता है ये? 4 फुट तक जाता है, या वाओ एक्चुअली 6 फुट तक भी कभी कभी जाता है, नाइस, बट 2 फीट तक हम लोग के पास ऑलवेज अवेलेबल रहता है। ठीक है। गैस यहाँ पे मेडिसिन्स भी है थोड़ी फिश की, जैसे कि वॉर्म आउट आपको पता होगा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये, एंड ऑप्टिमम आपको पता होगा, ऑप्टिमम एंड फिश फूड है यहाँ पर। यहाँ पर फिश मेडिसिन के लिए वॉर्म आउट रहता है, जो कि हाँ डीवॉर्मिंग के लिए डीवॉर्म, रहता है, या राइट बेसिकली मोस्टली फ्लावर ऑन और अरवाना के लिए यूज होता है वो, तो ओके वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। ओके। डॉग प्रोडक्ट्स यहाँ भी पे है, गाइस एक एक्सेसरीज भी है डाइवर, जो कि आप ऑक्सीजन की जगह पे लगाते हो, राइट। हाँ ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए मोशन, किसी किसी को मतलब डेकोरेशन चाहिए सही तो होता है, उन लोग पूछते हैं कि ऑक्सीजन बॉल बॉल को छोड़ के और कुछ मतलब हम लोग डाल सकते हैं, तो वो इसमें ये एक है, और ऊपर भी आप अगर देखोगे तो ऊपर भी एक टॉय है, पायरेट का टॉय। या दिस वन ओके। ये थर्मोमीटर भी आपका स्टॉक में रहता है जो ये प्लांट एक्वेरियम? थर्मोमीटर भी स्टॉक में रहता है, ये डिजिटल ओके। थर्मोमीटर है, टेम्परेचर चेक करता एंड है ये ये। जो ब्रांड से ये किसके यूज में आते हैं? ये बेसिकली पपीज के लिए है, डॉग पपीज के लिए और कैट किटन्स, स्मॉल साइज के लिए। तो रसिन भाई ये क्या है आप बता सकते हैं हमें? ये बेसिकली डॉग एक्सेसरीज है, ओके उसमें मैंने मेरा चादर भी रखा है, सॉरी फॉर दैट। नो प्रॉब्लम। इसमें डॉग का बेल्ट है, लीश है, कॉलर है, ओके एक्सेसरीज भी है थोड़े बहुत डॉग्स के, तो ठीक है। ये पपीज के लिए भी थोड़ा स्टॉक है मेरे पास। एंड ये डॉग फूड है, राइट? ये डॉग फूड है, पेडिग्री और ड्रूल्स, ये छोटे छोटे पैकेट्स है। ठीक है। अब बात करें गाइस हम लोग फिश फूड, जो कि प्रीमियम फिश फूड है यहाँ पे, ओके। तो डिस्प्ले फूड है गाइस यहाँ पे, इनके बारे में कुछ बताएंगे ये? ये पहले आप देख देख सकते हो, जिसको वो टर्टल फूड है, हेलो फीड का टर्टल फूड बहुत बेस्ट सेलर है टर्टल्स के लिए। बेसिकली इसमें कैल्शियम वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैं टर्टल को कोथमीर दे सकता हूँ, वेजिटेबल्स दे सकता हूँ, हाँ दे राइट सकते हैं, बट कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें डाइजेशन प्रॉब्लम रहता है, टर्टल राइट को एडजस्ट नहीं होता है, फिर टर्टल बीमार हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाता है, तो ये फूड सबसे बेस्ट होता है। पीछे आप देख सकते हो तो मेरे पास टेट्राबिट्स है, टेट्राबिट्स का फिलहाल स्टॉक 3-4 महीने के लिए बंद हो चुका है, राइट बट ये थोड़ा सा रह गया है।
इंस्टिंक्ट्स है मेरे पास, जो कि टेट्रास वगैरह के लिए बहुत अच्छा फूड है। एंड जो डेफिना है, ये ड्राई डेफिनिया है? ये ड्राई डेफिनिया है, बेसिकली इसका साइज एकदम लाइव डेफिनिया जैसा ही है, बट खाली इसको ड्राई वर्जन में उन लोग ने बनाया है, क्योंकि एक्चुअली जो लाइव डेफिनिया है वो अवेलेबल नहीं रहता है हर टाइम, और थोड़े थोड़े लोगों को पता नहीं रहता है वो किधर अवेलेबल रहता है। तो ये एक लोकल फूड बनाया है कि जो जो भी आपका लोकल फिश शॉप है वहाँ पर आपको मिल सकता है। राइट, यहाँ पे भी कुछ वैरायटीज है, जैसे कि हाई रेड है। हाई रेड एक्चुअली फ्लावर ऑन फूड है, मिड रेंज में आता है वो, कलर एनहेंस करता है, राइट, कलर खाली कलर एनहेंस करता है वो, लोकल बोल सकते हैं, फ्लावर ऑन के लिए लोकल फूड बोल सकते हैं, जिनको हाई बजट नहीं रहता right. हाई रेट परचेस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया फूड है वो। हाँ, ये डिस्कस के लिए आई गेस एक और फूड है, डिस्कस के लिए टायो बिट्स आया है, अभी टेट्रा बिट्स जैसे कि नहीं आ रहा है तो कोई कोई लोग टायो बिट्स पे स्विच हो रहा है, थोड़े थोड़े लोग हिकारी का बायोगोल्ड यूज करते हैं डिस्कस के लिए। तो आई गेस ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे सब कुछ कवर कर दिया, राइट। वहाँ पे आई गेस वो भी है, फीडर भी, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ, ये बर्ड फीडर है, बेसिकली ये बैल्कनी आपका गैलरी वगैरह, आप कौन से भी ट्री वगैरह पे उसमें बर्ड फूड डाल के आप मतलब खाली लटका सकते हो, तो स्पैरोज वगैरह, पैरट्स, दूसरे बर्ड्स आके मतलब उन लोग बैठ के उधर खा लेते हैं फूड। ठीक है, और कुछ बाकी है आपके शॉप में, और कुछ ऐसा कवर करना? ठीक है, आपके शॉप के बारे में कुछ बता दीजिए, टाइमिंग एंड ऑल, एड्रेस क्या है, किसी को आना है तो कोई स्पेसिफिक लैंडमार्क है ऐसा कुछ जिसको इजी फाइंड होगा? मेरा शॉप एक्चुअली अंधेरी में लोकेटेड है, अंधेरी वेस्ट में, ओके, मुंबई में है बेसिकली। अगर लैंडमार्क आप गूगल पे अगर डालोगे तो फिशलैंड एंड पेट शो, तो आपको डायरेक्शन मिल सकता है डेफिनेटली। टू बी ऑनेस्ट, मैं कहूँ तो मैं गूगल मैप से ही आया हूँ, मैं आराम से पहुँच गया था। ओके, एंड आप होलसेल में डील करते हैं या ओनली रिटेल करते हैं? मैं खाली बेसिकली रिटेल में डील करता हूँ, कभी कभी होलसेल का स्टॉक आता तो होलसेल में बेच भी देता हूँ, या फिर अगर किसी का ऑर्डर वगैरह रहेगा तो होलसेल का ऑर्डर में कभी कभी हम लोग, अगर हम लोग को कभी अच्छा रेट मिल सकता है होलसेल में से भी, तो हम लोग होलसेल भी करते हैं। ओके, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल, डबल साइज स्पॉन्ज फिल्टर, राइट? ये स्पॉन्ज फिल्टर है बेसिकली, ये जो नॉर्मल स्पंज फिल्टर है उससे बहुत पावरफुल है, और ये एकदम दिखने में भी अच्छा रहता है, लोग फैसिनेट होता है कि ये क्या है नया चीज, एकदम मैकेनाइज्ड लगता है, पावरफुल भी है, राइट, उससे जो नॉर्मल स्पंज फिल्टर है उससे, यस, स्पंज फिल्टर नॉर्मल स्पंज फिल्टर से बहुत पावरफुल है, डिस्कस के लिए आएंगे, हां यूज कर सकते हैं, एंजल वगैरह के लिए ये फिश के लिए यूज करते हैं। तो रस्टिन भाई, आपकी शॉप के बारे में बताइए, आपके शॉप के टाइमिंग क्या है, कब लोग आ सकते हैं आपकी शॉप पर, कब सबसे ज्यादा कम क्राउड होता है ताकि लोग आके उनको वेट ना करना पड़े? मेरा शॉप का टाइमिंग है एक्चुअली 10 AM से लेके रात तक 10 PM तक, लेकिन एक एडवांटेज है मुझे कि मेरा घर एकदम शॉप के पीछे है, तो लोग कभी कभी कस्टमर मेरा शॉप के बाहर आके एकदम ऑड टाइमिंग्स पे लाइक 11 o'clock और 12 o'clock रात को आते हैं इमरजेंसी में, कि मेरा ऑक्सीजन पंप खराब हो गया, मेरा फिल्टर खराब हो गया, मच्छी मर जाएगा, तो लोग मुझे कॉल करते हैं, तो मैं तुरंत बाहर आके, मतलब अगर मैं सोया भी हूँ तुरंत बाहर आके मैं कस्टमर को सर्विस देता हूँ। तो टाइमिंग का है 10 AM से 10 PM, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में भी कभी कभी दुकान खोल सकता हूँ। ठीक है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी एक्चुअली। हाँ, एंड किस किसी को शिपमेंट चाहिए होता है, कि कोई अलग बहुत दूर आपके शॉप से, तो पॉसिबल है वो ऐसा कुछ? डेफिनेटली पॉसिबल है, अभी आप देखोगे तो अगर मैं खुद डिलीवरी कर सकता हूँ, अगर डायमीटर में है तो कभी कभी फ्री डिलीवरी भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा अगर दूर है तो वी कैन यूज बीफास्ट और डंजो और अदर एप्लीकेशंस फॉर शिपमेंट, और अगर दूसरे स्टेट में है तो वाया ट्रेन वगैरह, उसका अलग से कभी कभी चार्ज होता है। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड हाँ, इनका जो लाइव लाइक डॉग का लाइक स्टॉक है एंड जो पेट का स्टॉक है, इसके बारे में हम लोग अगली बार वीडियो बनाएंगे। ओके, ऐसे में आगे इसमें हमको अगर मिलता है तो हम लोग एडिट कर देंगे, आपको भी प्रोवाइड कर देंगे, हमें पूरा लाइक टैंक शूट करने दिया, साथ ही में बहुत सारी नॉलेज शेयर की हमने, हर टैंक के रिगार्डिंग, हर फिश के रिगार्डिंग बहुत सारी नॉलेज उन्होंने दी है, स्पेशली प्लांटेड टैंक है इसके रिगार्डिंग उन्होंने बहुत सारी नॉलेज शेयर की है। एंड एक्चुअली आपको बता दूँ, लाइक जो लोग आते हैं, जो नए होते हैं हॉबीज में, जो आते हैं बाई करने के लिए, खाली वो सब कुछ सेल नहीं करते हैं, आपको नॉलेज भी शेयर करते हैं, तो इनकी अच्छी बात मुझे लगी। ओके, तो इनके साथ भी अगर आते हो, आपको कुछ रिक्वायरमेंट नॉलेज की, आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको जरूर बताएंगे। ओके, एंड डिफरेंट थिंग इज, क्या अभी कुछ बाकी रहा है सर? मेरे पास कवर करना बाकी है, दूसरा फिल्टर्स है, ऑक्सीजन पंप्स है, एक्सेसरीज है जो कि वीडियो में दिखाया नहीं है, बट वो है हम लोग के पास स्टॉक पे, हैंग ऑन फिल्टर है, टॉप फिल्टर है, डबल आउटलेट पंप्स है, ऑक्सीजन पंप नॉर्मल है। ठीक, तो गाइस इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू रस्टिन सर, आपने वीडियो शूट करने दिया हमको, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है इनकी।
देख सकते हैं आप कितने ओरिजिनल है एक्चुअली, वो कितने ट्रांसपेरेंट है। ओके, फिश के रिगार्डिंग ज़्यादा कुछ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, फिश की हेल्थ के ऊपर ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर हेल्थ में कुछ इशू वगैरह है तो हम लोग फिश बेचते भी नहीं है, तो वो टैंक right. वो पूरा क्लोज करते हैं हम लोग। ठीक है, कभी कभी लोग बेचते भी है ऐसा, तो okay. वो हम लोग नहीं करते, वो हम लोग डायरेक्ट कस्टमर को बोलते हैं कि नहीं वो खराब है, वो बीमार है, तो प्लीज वो मत लेना। ठीक है, थोड़ी सी एक्टिव भी एक्चुअली ये भी है, मस्त लुक आ रहा है इसका। ओके, कैसे था वीडियो में भी तो गाइस लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को ऐसा कंटेंट के लिए, और बेल आइकन दबा दीजिए। द फिश लैंड एंड पेट स्टोर, ओके, तो आप विजिट कर सकते हैं। ओके, गूगल पे भी, हाँ इंस्टाग्राम, हाँ गूगल पे भी इनका पेज है, इंस्टाग्राम पे भी आप चेक कर सकते हैं, रिव्यूज़ एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा अच्छे हैं, आप चेक कर सकते हो। तो गाइस मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लुक बाय टू फिश एंड सारी। चलिए गाइस, गुड बाय।